कि वो बॉन्डली के मैनेजर थे बहुत बहुत साल और वहां पे बेसिकली दे डिड रियली वेल इन द प्रीमियर लीग और फाइनली जब वो रेलीगेट हुए थे उससे जस्ट पहले शॉन डाइश बट ही इज अ मैनेजर जो प्रीमियर लीग पेडिग्री के हैं उनको पता है प्रीमियर लीग में सर्वाइव कैसे करते हैं सो एवर्टन के लिए इट इज ऑल अबाउट सर्वाइवल डिफेंसिवली डेफिनेटली वो एवर्टन को इंप्रूव करेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी आई थिंक उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए जो शॉन डाइश की बॉन्डली टीम्स थी आपको याद होगा वो बहुत एरियल बॉल्स खेलती थी

फॉर्मेशन है वो सब आई थिंक वो अपने आप ट्वीट करेंगे सो so, दो तीन हफ्ते बाद हमें एक फेयर आइडिया होगा शॉन डाइश किस टाइप की एवर्टन टीम खिलाएंगे बट एक फेयर एस्टिमेशन लगाते हैं क्या खिला सकते हैं पिक शुड बी गोल कीपर इंग्लैंड के नंबर वन कीपर है तो एवर्टन के डेफिनेटली नंबर वन कीपर होंगे बैक फोर में उनके राइट बैक कोलमेन होंगे मोस्ट लाइकली पैटरसन इनसे बेटर प्लेयर है बट ही इज आउट इंजर्ड कोडी एंड होंगे दो सेंटर बैक्स uh, ये काफी इनके रिलायबल प्रेजेंस है इन द सेंटर ऑफ डिफेंस अगर आपको याद होगा और की इज अ प्लेयर जो बर्नली में शॉन डाइश के अंदर बहुत बहुत साल खेले हैं सो ही इज अ प्लेयर जो आई थिंक शॉन डाइश के आने से मेरे ख्याल से और इंप्रूव हो सकते हैं मीकोलेंको इज अ वेरी अटैकिंग लेफ्ट बैक सो आई थिंक इन तीनों में से अगर किसी प्लेयर को अटैकिंग रिटर्न मिल सकते हैं तो वो मीको हो सकते हैं अगर आप मिडफील्ड में बात करें क्योंकि ये आर्सेनल टीम है जो बहुत ज्यादा पोजीशन रखेगी इन दिस मैच सो so, जो डिस्ट्रॉयर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क वो काफी क्रूशल हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल संबंध लाइक ओनाना जो बहुत मुझे इंप्रेस किया है ही इज वन ऑफ द साइनिंग जो से जो एवर्टन के लिए वर्कआउट करी है इस सीजन बहुत सारी साइनिंग नहीं भी वर्कआउट करी है फॉर जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है बट ओनाना आई थिंक आपको काफी ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन नंबर दे सकते हैं अगर पहले पास्ट में बोलते हैं मेरे से दो तीन साल पहले तो इद्रीसाना गोए इज ऑल्सो सम्बन्ध जिनके काफी अच्छे डिफेंसिव नंबर्स थे बट इनका थोड़ा सा आई थिंक जो इन्फ्लुएंस है मिडल ऑफ द पार्ट में खत्म हो गया है डिमारी uh, ग्रे खेलेंगे बिहाइंड द स्ट्राइकर वो भी होंगे ऑन द राइट बट बटोबी को एक फ्लोटिंग रोल भी दे सकते हैं शॉन डाइस ही हैज बीन आई वुड से मोस्ट इंप्रेसिव प्लेयर दिस सीजन एंड प्योरली फ्रॉम अ सेट पीसेस पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ टैकल इंडेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू चांसेस क्रिएटेड पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वो भी सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इसलिए उनको रिकमेंड करूंगा डिमारी ग्रे आई थिंक इज अ प्लेयर जो काउंटर अटैक में काफी थ्रेटन कर सकते हैं आपको याद होगा अगर एवर्टन का जो ड्रॉ हुआ था मैन सिटी के साथ उसमें जो उन्होंने गोल स्कोर किया था उसमें डिमारी ग्रे ने ही काफी अच्छा काउंटर अटैक था

मिडफील्ड में थॉमस पार्टी थोड़े से डाउट है तो आई बी सरप्राइज अगर ये मैच में ये बेंच पे होते हैं या कंप्लीटली है। है है, है। so, है, तो में भी उनकी टीम में आ सकते हैं जाका खेलेंगे उनके साथ फोर प्लेयर्स जिनके बारे में जितना बोलो उतना कम है स्पेशली अगर मैं बात ओडेगार्ड और साका एब्सोल्युटली सुपर्ब ओडेगार्ड मेरे हिसाब से अलोंग साइड हाल has has been been the 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 player of the season in the Premier League. Saka has been absolutely superb. प्लेयर ऑफ द सीजनियर लीग साका इनफैक्ट ये तीनों प्लेयर सेट पीस लेते हैं कॉर्नर इन स्विंगिंग पसंद है आर टेटा को सो so, लेफ्ट uh, से इन स्विंगिंग कॉर्नर साका लेते हैं राइट हैंड साइड से बाटे लेते हैं और काफी इंडायरेक्ट क्रिकी साडे गार्ड भी लेते हैं अप्रंट यू हैव एडी एंडिया जो ऑफकोर्स जिन्होंने दो गोल स्कोर करे थे अगेंस्ट पैचेस्ट यूनाइटेड सो इनका कॉन्फिडेंस भी विल बी वेरी वेरी हाई एंड कॉन्फिडेंस इज द की फॉर बिकॉज एवरी प्लेयर इन दिस टीम इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एट द मोमेंट अब चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पे फॉर एवर्टन वर्स इज और ये जो कॉन्फिडेंस है ये जो पेडिग्री है क्वालिटी है ये आसनल टीम की दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आर फैटेसी टीम सो बुकाशा को मैंने कैप्टन किया है एंड ऑर्डेगार्ड को वाइस कैप्टन किया है इफ यू थिंक थोड़ा लो स्कोरिंग मैच होगा आप इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं बट एवर्टन uh, आपको पता है टीम जो मे बी थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस इनका कम है सो so, मैंने बैक करा है कि आसनल एटलीस्ट दो गोल स्कोर करेंगे बैक so, like uh, करूंगा बिकॉज आई स्टिल फील की जो ओडेगार्ड के जो गोल्स हैं वो काफी लो एक्स जी चांसेस से आए हैं सो ही है लॉड ऑफ गोल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स

जो प्रॉपर गोल स्कोरिंग फॉर्म में है ही हैज बीन स्कोरिंग वेल वेल डूइंग सो सो आई डोंट माइंड अगर लेट्स से इनको भी आप वाइस देते हैं बेसिकली so इन चारों प्लेयर्स में अपनी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप रोटेट कर सकते हैं ये डेफिनेटली दोनों सेफर ऑप्शन है डिफेंस में बात करें यहां पे मैंने एक प्लेयर को नहीं लिया है उसका मेरा लॉजिक मैं आपको बताता हूं बट आई थिंक गैब्रियल सालिबा और जिनचेंको मैंने तीनों को पिक किया है नाउ बेन वाइट को मैंने नहीं लिया है इसका रीजन ये है कि रीसेंट मैचेस में अगर आपने देखा होगा बेन वाइट

तो so, टोमियासो का जो प्रेजेंस है मेरे ख्याल से जिनचेंको को बट मोर्स ऑफ बेंडवाइट को थोड़ा ज्यादा अफेक्ट करता है तो उनके मिनट्स ऑन द फील्ड थोड़े इंपैक्ट हो सकते हैं दैट्स व्हाई मैंने इनको अपनी टीम में पिक नहीं किया ऑफकोर्स बेंड वाइट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन ओवरऑल उसके अलावा मैंने पिक किया है पिक को एज द गोल कीपर फ्राम एन एवर्टन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ओ फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बिकॉज uh, अगर एवर्टन इस मैच में कुछ अच्छा करती है स्कोर करती है ही विल डू वेल अगर नहीं करती है ही विल स्टिल डू वेल बिकॉज इनका ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव डिस्प्लेस डिप्लेस गुड

make sure you hit the like button subscribe to review sport co and share it with your friends as well thank you so much for watching wishing you all the best for this match stay safe and i will see you soon cheers guys